हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग रूट में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप अपना घर 2 मंजिला या 3 मंजिला बनवाना चाहते हैं और या बनवा रहे हैं, तो आप ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, नो डाउट यदि घर का सारा काम अकॉर्डिंग टू ड्राइंग हो रहा है और आपने एक आर्किटेक्ट हायर किया हो और वहाँ पे ऐसी गलती आपको देखने को मिलती है, तो वहाँ पे आपके जो काम करने वाले जो ठेकेदार होते हैं, सरिये वाले ठेकेदार होते हैं या बार पेंडर्स होते हैं, उनकी इतनी ज़्यादा गलती नहीं होती। वहाँ पर जो जितनी गलती होती है वो सिर्फ आपकी होती है या आर्किटेक्ट की होती है। वो इस बात का ध्यान नहीं रखते, और यदि रखते भी हैं तो उनकी प्लानिंग में थोड़ी गड़बड़ी आती है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये जो गलती यहाँ पे हुई है, या तो घर के मालिक के द्वारा की गई है या तो जो हमारा यहाँ पे आर्किटेक्ट है उसके द्वारा की गई है। क्योंकि फ्रेंड्स, यदि जो काम करने वाले होते हैं वो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग ही काम करेंगे जैसा कि आप उसको ड्राइंग प्रोवाइड करेंगे, बट ऐसी गलती होती है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है आने वाले टाइम में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो कॉलम है यहाँ पे, इस कॉलम में ऐसी गलती की है जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है आने वाले टाइम में। और जैसे कि फ्रेंड मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, जैसे जैसे हमारा फ्लोर बढ़ता जाता है तो हमारी प्लानिंग यही होती है कि जो स्टील कम से कम यूज़ हो, जो हमारे ऊपर से वजन आने वाला वो कम से कम आए। इसीलिए हम करते क्या हैं, या तो हम स्टील कम कर देते हैं या स्टील का डाया कम कर देते हैं अपने कॉलम में। तो इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ, बट यहाँ पे जो प्लानिंग है उसमें थोड़ी सी कमी नज़र आई। जैसे कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देख रहा होगा, यहाँ पे जो कॉलम है फ्रेंड्स वो कैंसिल हो चुका था, और कैंसिल होने के बाद अचानक से प्लान किया जाता है कि नहीं, हमें यहाँ पे भी कॉलम खड़ा करना है। तो उस टाइम आपको ऐसी गलती देखने को मिल जाती है जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और ये गलती फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मतलब आपको नुकसान पहुँचा सकती है। जैसे कि फ्रेंड्स आपको साइड में फोटो में भी दिख रहा होगा, यदि हमारे कॉलम में लैप नहीं होगा प्रॉपर, तो वहाँ पर जो कॉलम ब्रेक होने के चांसेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे और कॉलम इस प्रकार ब्रेक होगा जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, यदि आपके घर में भी ऐसी गलती हो गई है और आपने भी जो कॉलम की लैपिंग के लिए इतनी ही जो कॉलम की लेंथ छोड़ी है या बाय मिस्टेक आपसे इतनी छूट गई है, तो वहाँ पे आपको करना चाहिए। मैं आप लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पे बता दूँ, लैप करने के लिए हम 2 या 3 तरीके का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हम 3 तरीके का इस्तेमाल करते हैं, बट ज़्यादातर 2 तरीके ही आपको देखने को मिलते हैं। एक तरीका होता है वेल्डिंग का, जहाँ पर यदि आपसे बाय मिस्टेक ऐसा काम हो जाता है तो वहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि प्रॉपर वेल्डिंग कराइए। जो हमारा स्टील है उसे हम लैप जहाँ पर करते हैं वहाँ पर प्रॉपर वेल्डिंग कीजिए, ताकि इसका जो बॉन्ड है, इसकी जो पकड़ है, वो बहुत काफ़ी मजबूत हो जाए। पहली कोशिश तो फ्रेंड्स आपकी यही होनी चाहिए कि जो कॉलम का लैप के लिए लेंथ है वो 45 टाइम्स ऑफ डाया, जितना हमारा स्टील जो स्टील का डाया है उसे हम 45 से मल्टीप्लाई करने के बाद जितनी हमारी लेंथ आती है उतनी छोड़ी जाए। बट यदि आपसे मिस्टेक हो जाती है और आपकी कंडीशन भी कुछ इस प्रकार की बन जाती है जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिला था, तो वहाँ पर आप वेल्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे आप प्रॉपर वेल्डिंग कराइए, कॉलम के जो स्टील है उसे प्रॉपर वेल्डिंग कराइए, ताकि जो कॉलम के जो स्टील की पकड़ है वो बनी रहे और कॉलम ब्रेक होने के बाद भी एक सरिया एक दूसरे से अलग ना हो, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को फोटो में दिखाया था। और जैसे कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर कॉलम में पकड़ ना होने की वजह से ही कॉलम ब्रेक हुआ है, और यदि स्टील में पकड़ होती, स्टील की एक दूसरे के साथ पकड़ होती, बॉन्डिंग बढ़िया होती, तो यहाँ पे कॉलम बेंड होता ना कि ब्रेक होता। तो यही मैं आप लोगों को फ्रेंड्स इस वीडियो में समझाना चाहता था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना तक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।